हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं नाश्ते में पोहा बनाने वाली हूँ, तो देखिए कैसे बनता है। पहले बादाम को फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके निकाल लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे सरसों, कड़ी पत्ता, प्याज, मिर्चा। अब आलू डालेंगे, ये देखिए आलू डाल लिया है मैंने। अब इसको थोड़ा भून लेंगे। उसके बाद हल्दी, नमक डालेंगे, अपने स्वाद अनुसार आप लोग डालिएगा। उसके बाद थोड़ा चला लेंगे इसको। उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर, फिर इसको थोड़ा चला लेंगे। उसके बाद इसको ढक देंगे 5-10 मिनट के लिए, जब तक पक जाएगा। ये देखिए पक चुका है, देख सकते हैं आप लोग, अच्छी तरह से पक चुका है ये। अब इसमें बादाम डालेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। अब बारी है चूड़ा धोने की। पहले इसे किसी बड़े जगह में ले लीजिएगा और सबसे लास्ट में इसको धोइएगा। ये देखिए धो के मैं लगा रही हूँ, क्योंकि पहले ही धो देने से ये पूरा गीला हो जाता है और अच्छा नहीं बनता है। एक दूसरे से चिपकता भी नहीं है, लास्ट में अगर धो के डालिएगा तो। देखिए अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। ये देखिए अच्छी तरह से मिला चुके हैं हम, तो हमारा पोहा रेडी है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी नाश्ता है ये और बहुत जल्दी बन जाता है, मुझे तो बहुत पसंद है इसलिए मैं बनाते ही रहती हूँ। तब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।